बहुत अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है। इन लोगों को जितना, ये लोग काफी कुछ काम कर सकते हैं, कुछ कुछ चीजें नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर भी सकते हैं। हम पैरालंपिक प्लेयर हैं और मैंने अभी वर्ल्ड ड्वार्फ गेम यानी विश्व बौना खेल में जर्मनी में भाग लिया था और मैं अपने आप को निःशक्त नहीं, सशक्त समझता हूँ, डिजेबल नहीं, एबल समझता हूँ। मोदी जी को विशेष धन्यवाद कि आपने निःशक्त को एक सशक्त के रूप में समझा, विकलांग को एक दिव्यांग के रूप में समझा और समानांतर का आपने दर्जा दिया। खेल दिवस के अवसर पर बिहार के कोने कोने में सम्मानित समारोह का आयोजन करवाया जा रहा है। इस वक्त हम पटना स्थित बिहार भाजपा के कार्यालय में हैं। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि जितने भी खिलाड़ी हैं उनको सम्मान दिया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं, राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी हैं। किस तरीके से एक एक जो खिलाड़ी है उनको सम्मान दिया जा रहा है। हमारे साथ कुछ खिलाड़ी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कौन से गेम में आपका सम्मान मिला? जी, मैं संतोष कुमार मिश्रा हूं। मैं अनेकों पैरालंपिक खेल खेलता हूं। कुल खेल में अभी तक मैं 96 मेडल पदक जीता हूं और हाल ही फिलहाल में 21 जून को कन्याकुमारी तमिलनाडु से कश्मीर जाके मैं फिर चौथा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हूं साइकिलिंग में। तो बिहार का नाम आप लगातार? बिल्कुल बिल्कुल, लगातार नहीं, 2003 से लेकर मैं अभी तक बिहार और भारत देश का नाम खेल के क्षेत्र में रोशन कर रहा हूं, जबकि मैं एक खेल नहीं अनेकों खेल का बादशाह खिलाड़ी हूं बिहार प्रदेश से। अच्छा, तो देखिए हमारे साथ और लोग, कैसा लग रहा है आपको सम्मान मिला? बहुत अच्छा। क्या नाम है प्रताप कुमार पासवान? अच्छा, क्या खेलते हैं? हम स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग करते हैं जी। फिजिकली आप पैसे तो डिसेबल्ड भी है मगर उसके बावजूद आपका जो हौसला है वो बुलंद है? बुलंद है एकदम। घर परिवार का पूरा सपोर्ट रहा है? पूरा सपोर्ट रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील, बहुत अच्छा फील। चलिए, और मेडल भी लाए हैं। अच्छा, कितने मेडल? सिल्वर मेडल लगा, यही 24 तारीख लाए थे पिछले साल, पिछले महीना। बिहार के लिए या फिर नेशनल लेवल? बिहार लेवल। बिहार लेवल जी। देखिए कौन सा गेम आप खेलते हैं, आज आपको सम्मान मिला है, कैसा लग रहा है? हम पैरालंपिक प्लेयर हैं और मैंने अभी वर्ल्ड ड्वार्फ गेम यानी विश्व बौना खेल में जर्मनी में भाग लिया था। एक सेकंड से बस चूक गया और निश्चित ही आज से यह विश्वास हुआ कि अब आगे अपने वतन के लिए मेडल जरूर लाऊंगा। और आपका मजाक भी लोग उड़ाते थे, उसके बाद भी आपने हौसला जो है वो कोई बात नहीं, मतलब चापाकल की लंबाई ऊपर नहीं देखिए, 3.5 फीट सिर्फ ऊपर ही होता है, उसकी गहराई भी देख लीजिए, 350 फीट गहरा रहता है। तो बस मेरे पे आकलन कर लीजिए और मैं अपने आप को निःशक्त नहीं, सशक्त समझता हूँ, डिजेबल नहीं, एबल समझता हूँ और कमजोर नहीं समझता हूँ। बस लोग मोदी जी को जैसा देखते हैं तो नजरिया बदलिए। मोदी जी को विशेष धन्यवाद कि आपने निःशक्त को एक सशक्त के रूप में समझा, विकलांग को एक दिव्यांग के रूप में समझा और समानांतर का आपने दर्जा दिया। जो आम खिलाड़ी करते हैं उससे कहीं बेहतर दिव्यांग करते हैं और आपने इस चीज को अप्रिशिएट किया और आज कहीं जा वतन के लिए मेडल दिव्यांग खिलाड़ी ला रहे हैं। और निश्चित ही आपके मन की बात कार्यक्रम से भी हमारा मनोबल बढ़ा है और मैं आपसे यही कहूँगा कि सर आप हमारे ऊपर विशेष ध्यान दीजिए और मनोबल आप बढ़ाइए और हम आपके वतन के लिए यानी हमारा वतन भारत के लिए ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे। कैसा लग रहा है सम्मान पाकर, पहली बार आपको? जी, इस बार इस तरह का कार्यक्रम पहली बार हो रहा है जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से है और हम लोग पहली बार सम्मान लेके बहुत खुश है कि हम लोग दिव्यांग बच्चों को भी इस तरह का कार्यक्रम में बुला के प्रोत्साहन करने का कार्य किया। आप फिजिकली भी? जी जी जी, फिजिकली के बाद भी हौसला बहुत बुलंद है हमारे पूरे परिवार का और पूरे समाज के। अभी तक में हम लोग का मेडल 7 लग चुका है जिसमें कि 22 जुलाई से 24 जुलाई जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सीपी नेशनल स्विमिंग का आयोजन किया गया था जिसमें कि हमें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। अच्छा, गोल्ड मेडल? जी जी जी। आपका क्या नाम है? राम निवास कुमार। अच्छा, क्या खेलते हैं? हम फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं? यस। तो कैसा लग रहा है आज आपको? अच्छा, पहली बार सम्मान मिला? हाँ, बहुत पहली बार सम्मान मिला सर। जहानाबाद जिला? जहानाबाद से आए हैं। यस सर। आज अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। फुटबॉल और क्रिकेट इसके बावजूद आपका पैर अच्छे से नहीं है, उसके बाद खेल लेते हैं? हाँ, तब पर भी खेल लेते हैं। देखिए, तब भी जो है वो खेल लेते हैं। ये लोग जो है फिजिकली डिसेबल्ड भी है और कई खिलाड़ी को सम्मान आज मिला है। ये देखिए भाजपा प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में है और किस तरीके से कार्य जो खिलाड़ी हैं उनसे ये पूरा जो कार्यालय है वो भर चुका है और कई खिलाड़ियों को पहली बार सम्मान मिला है। सम्मान पाकर किस तरीके से ये बच्चे जो हैं वो काफी खुश हैं और तमाम रूप से देखिए कई खिलाड़ियों के साथ कई बच्चियां जो हैं वो डिसेबल्ड भी हैं मगर उसके बावजूद जो है ये लोगों को आज सम्मान मिला है।
मैम क्या नाम? स्मिता। आपकी बेटी है? हाँ सारा। क्या खेलती है? एथलेटिक्स। फिजिकली डिसेबल्ड है, उसके बावजूद इनका जो हौसला है आज यहाँ तक उनको पहुँचा दिया कि आज उनको सम्मान, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है और लगता है कि इन बच्चों के लिए और भी ज्यादा फैसिलिटीज, क्योंकि इनके लिए भविष्य में आगे क्या हो उसका भी रास्ता खोला जाए। सब हो रहा है तो लगता है कि उस सब के लिए भी हम लोगों को उम्मीद है कि आगे भी कुछ कुछ इनके लिए डेवलपमेंट्स होंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स खुलेंगे, इसकी बहुत जरूरत है। जरूरत है या लेकिन कभी महसूस जी बहुत जरूरत है, क्योंकि बाकी जगह पे ये सब सेंटर्स बहुत ज्यादा है। इन लोगों को जितना यू नो काफी कुछ काम कर सकते हैं, कुछ कुछ चीजें नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर भी सकते हैं, तो जो कर सकते हैं उसमें उनको आगे बढ़ाना है ताकि वो रिस्पेक्ट के साथ अपनी लाइफ लीड कर सके और सोसाइटी में बर्डन होने के बजाय सोसाइटी के लिए एसेट बने। देखिए सोसाइटी में बर्डन बनने के बजाय उनको सपोर्ट करना, एक माँ ने बताया अपनी बेटी के लिए, देखिए ये किस तरीके से एथलीट्स में खेलती है और देश का नाम, बिहार का नाम रोशन कर रही है। ये तमाम खिलाड़ी जो इस वक्त हमारे पीछे आप देख रहे हैं, हमारे साथ देख रहे हैं, ये तमाम खिलाड़ियों ने बिहार का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है। और वजह यही है कि खेल दिवस के अवसर पर आज बीजेपी के कई नेताओं ने इनको सम्मानित किया है। बहरहाल हर लोगों की नई कहानी है, अलग कहानियां हैं, इनकी भी कुछ कहानी थी हमने आप तक रखी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।